तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है जिमी रॉक्सी जर्मन सेफर्ड। ये है जिमी, ये है मेल, ये है रॉक्सी, ये है फीमेल। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। समथिंग एक मंथ हो गया इनको बाय किए। ये है लगभग 65 दिन का और ये है थोड़ी छोटी है, 50 दिन की होगी। इनको मैंने बाइक से लाया था जिसके कारण इनको काफ़ी दूर पड़ा मेरे को, कम समथिंग मेरे गांव से 110 किलोमीटर होगा सतना, जहां से मैंने इन दोनों को लाया। इनको काफ़ी ठंडी लग चुकी थी बाइक से लाते वक्त, जिसके कारण इनको दस्त चालू हो गया। फिर मैंने पास में एक डॉक्टर है वहां गया, वो बच्चे वाला डॉक्टर है। मैं सोचा, मेरे को पता नहीं था कि थोड़ी ये जर्मन शेफर्ड में क्या दूँ क्या ना दूँ, देसी दवाई दूँ ना दूँ, मेरे को कुछ अनुभव नहीं था, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया। वहाँ गया, उन्होंने बच्चे वाली दवाई दी मेरे को, मैंने उन पर अप्लाई किया, 3 दिन पिलाया, कुछ फ़ायदा नहीं की। सिरप दिया था उन्होंने, 0% रिजल्ट था, बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं की। फिर मैंने इनको गाँव में जो किराने दुकान होती है वहाँ से मैंने 5 रुपये वाली एक टैबलेट लाई। उस टैबलेट के छोटे छोटे टुकड़े मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। फिर मैंने इसको भी और इसको भी उसको पीस के पानी में मिला के गर्म पानी में, हल्का गुनगुना पानी, गर्म पानी वही है, फिर मैंने इन दोनों को दिया, जिनके कारण इन दोनों का दस्त 2 दिन में ठीक हो गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी दे सकते हैं अगर आपके पप्पी को डॉग को दस्त होता हो। अगर आप गाँव से हैं, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कुत्तों वाला हॉस्पिटल आपके शहर या गांव से बहुत दूर है, तो आप भी ये दवाई दे सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किराने दुकान में, मेडिकल स्टोर में बड़े आराम से आपको 5 रुपये वाली टैबलेट दस्त की मिल जाएगी। आप बोल देना भैया दस्त वाली टैबलेट दे दो, इंसानों वाली दे देंगे, आप उनको देना, ठीक हो जाएगी आपके बच्चों का।